हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सिंगल चैम्बर एंड डबल चैम्बर हार्ट के बारे में डिस्कस किए थे। इन विच द सिंगल चैम्बर में हमने एम्फियोक्सिस और सेफेलोकॉर्डेट्स के एग्जांपल देखा और डबल चैम्बर में हमने बोनीफिश का एग्जांपल देखा था। तो ये हमने डायग्राम देखी थी जिसमें कि क्या होता है कि वेंस से ब्लड ड्रॉन होता है इनटू द सिनस वेनोसस, ठीक है। वेन से ब्लड आता है पहले सीनस वेनोसस में, देन इट इज पम्प टू द आर्ट्रियम, देन वेंट्रिकल, देन इट इज सप्लाई थ्रू द गिल एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जब वेन से ब्लड आता है सीनस वेनोसस में, सो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल पम्प्स द ब्लड थ्रू द गिल्स एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है कि ब्लड सर्कुलेशन एक ही टाइम फ्लो होता है ड्यूरिंग अ वन साइकिल, एक गैसीय साइकिल में एक ही बार ब्लड जो है वो सर्कुलेट होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री चैम्बर हार्ट। नाउ इन थ्री चैम्बर हार्ट वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द एम्फीबियंस दैट इज फ्रॉग। हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि टू चैम्बर हार्ट में हमने फिशेस का एग्जाम्पल लिया था और थ्री चैम्बर हार्ट में हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लेंगे। तो जब हमने डबल चैम्बर हार्ट में देखा था तो उसमें जो उसके चैम्बर थे, ठीक है, वो कैसे थे, इन अ सीरीज थे, इन अ लीनियर कॉन्फिग्रेशन। आई विल शो यू द डायग्राम, ये कैसे सीरीज में प्रेजेंट है, ठीक है, इन अ सीरीज, इन अ लाइन, ओके, इन अ लीनियर कॉन्फिग्रेशन ये प्रेजेंट है। बट इन अ थ्री चैम्बर हार्ट, अब थ्री चैम्बर हार्ट में क्या होता है, ये जो आर्ट्रियम है, ठीक है, ये आर्ट्रियम है, इट विल डिवाइडेड इन टू टू, इन द राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ये एक इनर ऑरिकुलर सेप्टम से, ठीक है, इनर ऑरिकुलर सेप्टम से ये डिवाइड होगा इनटू टू पार्ट्स। तो अगर हम डायग्राम निकालेंगे तो फिर कितने चैम्बर बनेंगे, आर्ट्रियम के दो चैम्बर, वेंट्रिकल का एक चैम्बर, तो कितने हो गए, टोटल थ्री चैम्बर्स, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज अ थ्री चैम्बर हार्ट। तो अब देखते हैं थ्री चैम्बर हार्ट में किस टाइप से ब्लड सर्कुलेशन होता है। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी, ओके, दिस आर द वेन्स फ्रॉम द बॉडी, ओके, दिस आर द वेन्स फ्रॉम द बॉडी एंड दिस वन इज द राइट ऑरिकल This one is the left. Okay, you can say it auricle or a atrium, ठीक है? Auricle के part है इसलिए right और atrium and left atrium. So this is divided by this septum, that is the intra-auricular septum. Okay, this is divided by a septum called as the intra-auricular septum. And this vein is a sinus venosus, ठीक है, sinus venosus यानी veins from the body. And for the left atrium, here is the again vein that is known as the pulmonary vein, ठीक है, ये कौन सी vein है, pulmonary vein है। फिर यहाँ पे ventricle है, जैसे कि हमने fishes के example में देखा था कि यहाँ पे ये जो septum था ये present नहीं था, सिर्फ एक ही था, that is the atrium. वेंट्रिकल और आर्ट्रियम दो ही चैम्बर थे। अब इसमें दिस आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट एंड विच इज डिवाइडेड बाय द इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। हियर द वॉल्व इज प्रेजेंट, देन कोनस आर्ट्रियोसिस, देन हियर इज दिस टू आर द पल्मोनरीज आर्ट्री एंड दिस पार्ट इज नोन एज द एओर्टा, ठीक है। एओर्टा क्या है, इट इज द मेन आर्ट्री दैट कैरीज द ब्लड फ्रॉम योर हार्ट एंड सप्लाई टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो क्या करती है, हार्ट से क्या करती है, ब्लड लेती है और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करती है, सप्लाई करती है। सो नाउ वी विल सी हाउ डज द सर्कुलेशन हैपन, ब्लड सर्कुलेशन हैपन, ओके। सो द वेनोसस ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल थ्रू द राइट आर्ट्रियम, ठीक है, राइट आर्ट्रियम, ये जो राइट आर्ट्रियम है इससे क्या हुआ, वेनोसस जो ब्लड था वो एंटर हुआ इन टू द, ओके, एंटर्स इन टू द वेंट्रिकल। Whereas the blood oxygenated in the lungs enter the ventricle
थ्रू द राइट लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम से क्या हुआ कि जो वेंस से ब्लड आया था वो कलेक्ट हुआ इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ओके। फ्रॉम हियर ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, तो यहां से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और यहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। फिर यहां से भी ब्लड कैरी हुआ, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हुआ। फिर क्या होता है, द वेनस ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टेंड टू एंटर द वेंट्रिकल फर्स्ट एंड इज फॉलोड बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये जो वेनस ब्लड था, यहां से ये फर्स्ट जो राइट साइड होता है, ये फर्स्ट एंटर होगा इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। दे विल एंटर फर्स्ट इनटू द वर्टिकल, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो एंटर हुआ इन द लेफ्ट एट्रियम से, पहले राइट एट्रियम से हुआ देन लेफ्ट एट्रियम से। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट होती है, ओके। इसे वर्टिकुलर सेप्टम भी बोल सकते हैं, इंटर वर्टिकुलर सेप्टम भी बोल सकते हैं, या फिर अ स्पाइरल वॉल्व। तो स्पाइरल वॉल्व से क्या होता है, इट हेल्प्स टू गाइड द लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी अपॉन द इनिशियल वर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। नाउ ये स्पाइरल वॉल्व क्या करता है, ये गाइड करता है कि जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कि राइट आर्ट्रियम से आया था, तो उनको वो पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ से जो लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो फ्लो होता है थ्रू द एओर्टा थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो एओर्टा से सप्लाई हुआ टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, फिर से ये गया इनटू द लंग्स, फिर वहां डी ऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हुआ, देन उसके बाद फिर से वही डबल प्रोसेस की राइट आर्ट्रियम से फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो इस टाइप से ये हार्ट में, फ्रॉक्स के हार्ट में प्रोसेस होती है। So the amphibian heart, it is divided into three chambers, that is the amphibian heart has a left and right atrium and which is separated by the इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ओके। किससे सेपरेट हुआ है, इट इज सेपरेटेड बाय द इंटरल ऑरिकुलर सेप्टम से सेपरेट हुआ, देन द वेनस ब्लड इट एंटर्स द वेंट्रिकल थ्रू द राइट आर्ट्रियम, वेंट्रिकल थ्रू राइट आर्ट्रियम विच इज अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वेंट्रिकल थ्रू राइट आर्ट्रियम, और जो राइट आर्ट्रियम से जो ब्लड आता है वो कैसे होता है, इट इज अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड लेफ्ट आर्ट्रियम से कैसे ब्लड आता है, इट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
नाउ बोथ द ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एंटर हो रहे हैं इन टू द वेंट्रिकल. सो देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द ऑक्सीजनेटेड एंड लेस ऑक्सीजनेटेड जो वेंस के थ्रू एंटर हुआ है, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड टू मिक्स इन द वेंट्रिकल. अब इसमें क्या होता है कि जो राइट एट्रियम है, ओके, जो राइट एट्रियम है जहां से कौन सा ब्लड आया था, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ठीक है, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, तो वो इट विल एंटर फर्स्ट टू द वेंट्रिकल एंड देन इट इज फॉलोड बाय द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम फिर उसके बाद में जाएगा. अब बाद में जो वेंट्रिकल पार्ट है वहां पे, जो वेंट्रिकल चेंबर है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पाइरल वॉल प्रेजेंट होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनर वर्टिकुलर सेप्टम. ठीक है, सो स्पाइरल वॉल क्या करता है, इट हेल्प्स, स्पाइरल वॉल इट हेल्प्स टू गाइड the deoxygenated blood into the pulmonary arteries upon the initial वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. नाउ ड्यू टू दिस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इससे क्या होता है कि इट फोर्स द मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एओर्टा. ठीक है, दिस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इट फोर्स मोर ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सॉरी मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा. देन आफ्टर देन दिस एओर्टा ये क्या करता है, इट कैरीड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आया था ये कैरी करता है, देन इट सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो चला गया एओर्टा से, ठीक, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आया था तो ये एओर्टा से तो चले गया, ठीक है, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या हुआ, इट फ्लोज फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी. ओके, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है, कहाँ पे जाता है, वो लंग्स में जाता है फॉर द गैसेज एक्सचेंज. ओके, सो क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था इट फ्लोज फ्रॉम द एओर्टा टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, वो क्या हुआ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इट डिलीवर्स to the pulmonary artery. ठीक है, deoxygenated blood पहले pulmonary arteries के पास गया, फिर arteries के पास से क्या हुआ, it goes to the lungs. For what? For gas exchange.
देन अगेन ब्लड इज रिटेन टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेंस। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये प्रोसीजर होती है इन द थ्री चैम्बर हार्ट। सो यहाँ पे किस टाइप से हुआ, जो राइट एट्रियम था, ओके, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद वो मिक्स हुआ इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल्स में मिक्स हुआ, लेफ्ट एट्रियम से भी उसी टाइप से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हुए इनटू द वेंट्रिकल। फिर वेंट्रिकल में क्या था, स्पाइरल वॉल्व था, उसने क्या किया, स्पाइरल वॉल्व ने क्या किया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसे फ्लो किया इन द एओर्टा, देन इट इज सप्लाइड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इट इज सप्लाइड टू द लंग्स। फॉर इसी के वजह से क्या होता है कि फिशेस से, जो एम्फीबियंस है, देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांस। ठीक है, फिशेस से कैसा है, मोर एडवांस है। वाई, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट कैन डिलीवर द लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डिलीवर कर रहे थ्रू द लंग, वाइल पंपिंग द मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एओर्टा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो ड्यू टू द मिक्सिंग इफेक्ट इन द वेंट्रिकल, जो मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों इनके वजह से क्या होता है, मिक्सिंग इफेक्ट इन द वेंट्रिकल, अ रेड ब्लड सेल कुड पास थ्रू द हार्ट सेवरल टाइम बिफोर कम्प्लीटिंग अ गैस एक्सचेंज साइकिल इन द लंग। अब जैसे कि हमने फिश के हार्ट में पढ़ा था, उसमें एक ब्लड, एक ही सर्कुलेशन में ब्लड एक ही बार फ्लो होता है। ठीक है, एक ही बार फ्लो होता है, बट हार्ट द रेड ब्लड सेल कुड पास थ्रू द हार्ट सेवरल टाइम बिफोर कम्प्लीटिंग द गैसेस एक्सचेंज साइकिल इन द लंग्स। ओके, सो द एम्फीबियंस हार्ट इज मोर एडवांस देन फिशेस। सो वाई, क्यों मोर एडवांस है, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट विच डिलीवर्ड द लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स वाइल पंपिंग पंपिंग मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द एओर्टा। ओके, सो ड्यू टू दिस मिक्सिंग इफेक्ट व्हाट हैपन, इससे क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इट पासेस थ्रू द हार्ट several times before completing a gases exchange, ये several time pass होते हैं through the heart, so the respiratory capacity of thin and moist amphibian skin help to compensate for the failure of the deoxygenated blood to be stunned to the lung after the first pass to the heart। ठीक है, ये कंपनसेट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पास हो रहा है। सो द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी
एम्फीबियंस इट कंपनसेट फॉर द फेल्यूर ऑफ ऑल द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज पास थ्रू द लंग्स ओके विच इज पास थ्रू द लंग्स आफ्टर द फर्स्ट पास थ्रू द हार्ट ओके ये कंपनसेट करता है जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू द लंग्स थस द लंग्स एंड द थिन स्किन इनेबल द एम्फीबियन टू एग्जिट इन द लैंड एज वेल एज इन द वॉटर ठीक है इसी के वजह से क्या होता है वो एम्फीबियन एग्जिट करते हैं बोथ इन द लैंड एज वेल एज द वॉटर सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री चैम्बर हार्ट ऑफ द एम्फीबियंस ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोर चैम्बर हार्ट देखेंगे जिसमें कि एग्जाम्पल है बर्ड्स और मैमल्स का सो थैंक यू